हे गाइस, वेलकम टू अटैक फॉर आवर माइंड। माय नेम इज मोहित वाशने। आज की वीडियो बात करने वाले हम थ्री हाइंग अपडेट के बारे में। इसके लिए फ्रेशर, एक्सपीरियंस, कॉलेज स्टूडेंट सब अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला डिटेल में आपको जॉब के रोल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करेगा, एंड मल्टीपल कंपनीज की हायरिंग ऑन होगा उनको भी चेकआउट करेगा, लाइक सिस्को कंपनी है, सीमेंस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, ये सारी कंपनीज हायरिंग करिए, अप्लाई करेगा नहीं करा हुआ है तो। नॉर्थ फर्स्ट कंपनी की हायरिंग के बारे में, जो कि टेक महिंद्रा की तरफ से आ रही है, तो टेक महिंद्रा कंपनी के जो मैनेजर है उन्होंने पोस्ट करा हुआ अपने लिंक्डइन अकाउंट पर, कंपनी हायरिंग करने वाली है नेटवर्क इंजीनियर L1 वॉइस सपोर्ट रोल के लिए, जो कि डायरेक्ट हायरिंग होने वाली है। इसके लिए आप लोग फ्रेशर हैं या फिर आप सभी के पास एक्सपीरियंस भी है 1 ईयर तक का अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं फ्रॉम CSIT बैकग्राउंड से तो अप्लाई कर सकते हैं, ये हायरिंग आपके लिए होने वाली है। एंड इस रोल के लिए आप सभी को 4 LPA मिलने वाला है पर NM के हिसाब से, जो कि उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एंड जो आपकी जॉब की लोकेशन होने वाली है सिलेक्शन के बाद वो नोएडा होने वाली है, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है लोकेशन के बारे में। एंड अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपको ईमेल ID मिलेगा, ये ईमेल ID होने वाला है, दिस इज ईमेल ID। इस पर आप सभी को अपना रिज्यूमे शेयर करना है, अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो शेयर करेगा। शेयर करने के बाद जो कंपनी के HR होंगे आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद वो आपको मेल करेंगे हायरिंग अपडेट के बारे में। तो फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ओनली ईमेल करना है, तो किसी के पास को जॉब में ट्राई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये फर्स्ट हायरिंग अपडेट थी। सेकंड अपडेट है ग्लोबल लॉजिक की तरफ से, तो ग्लोबल लॉजिक कंपनी के जो HR है उन्होंने भी पोस्ट करा हुआ है अपने लिंक्डइन अकाउंट पर, कंपनी हायरिंग करने वाली है, एंड ये वॉक इन ड्राइव होने वाली है जो कि नोएडा लोकेशन के लिए होने वाली है। तो आप लोग नोएडा लोकेशन में जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, तो जाइएगा, ये लोकेशन होने वाली है, दिस इज द लोकेशन एंड एड्रेस, एंड ये वॉक इन ड्राइव होने वाली है 15 जुलाई को। एंड जो टाइमिंग होने वाला वॉक इन ड्राइव की वो 9 AM से लेकर 3 PM तक होने वाली है, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एंड इसके लिए आप लोग फ्रेशर है या फिर आपसे एक्सपीरियंस भी है 2 ईयर तक का तो भी जा सकते हो, इन्होंने मेंशन करा हुआ है 0 से लेकर 2 ईयर। एंड आपको और डिटेल में चेकआउट करना है तो उन्होंने लिंक भी शेयर करा हुआ है जॉब हायरिंग का, कंपनी हायरिंग करने वाली एनालिस्ट पोजीशन के लिए चेकआउट कर सकते हो। एक टाइप से टेस्टिंग की जॉब होने वाली है, तो किसी का इंटरेस्ट टेस्टिंग जॉब में अप्लाई कर सकता है। इस रोल के लिए ज़्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप लोग कोडिंग एवरेज लेवल की है तो ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप लोग जा सकते हो लोकेशन पर जो कि नोएडा वाली होने वाली है। तो सेकंड हायरिंग अपडेट थी, एंड लास्ट अपडेट गूगल की तरफ से, तो गूगल अभी हायरिंग करने वाला है इंटर्न रोल के, जो समर इंटर्नशिप होने वाली है, एंड इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 21 जुलाई होने वाली है, उससे पहले अप्लाई करना। एंड जॉब्स की इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है आफ्टर सिलेक्शन, वो मई एंड जून में होने वाली है नेक्स्ट ईयर। एंड जो ड्यूरेशन होने वाला है इंटर्नशिप का वो 10 से लेकर 12 वीक का होने वाला है, इन्होंने मेंशन करा हुआ है। बातें क्वालिफिकेशन के बारे में पहले, तो उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आप लोग करंटली परस्यू कर रहे हो अपना बैचलर मास्टर डिग्री फ्रॉम CSIT ब्रांचेस के अलावा रिलेटेड ब्रांच भी है, लाइक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हो, EE के स्टूडेंट हो, EEE के स्टूडेंट हो, अप्लाई कर सकते हो, ये हायरिंग आपके लिए होने वाली है। एंड आप लोग करेंटली अभी पेनल्टीमेट ईयर में हो तो ही आप सभी एलिजिबल होने वाले हो, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है बैच के बारे में। एंड कंपनी हायरिंग करने वाले मल्टीपल लोकेशन के लिए, लाइक बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद है, पुणे है, इन सभी लोकेशन के लिए कंपनी हायरिंग करने वाली है, तो ट्राई करेगा, अप्लाई करेगा। आई नो एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्राई कर सकते हो, मे बी आप सभी को जॉब मिल जाए एग्जाम क्लियर करने के बाद। एंड अप्लाई करने के सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई वाला, इस पर क्लिक करने का फॉर्म फिलअप करना, एंड ईजिली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।